हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। डीवी मेडिकल भी अच्छा जा रहा होगा। कुछ भाइयों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, EBC OBC EWS सर्टिफिकेट में कैसे बनवाना है। ऑनलाइन फॉर्मेट में चलेगा, ऑफलाइन फॉर्मेट में चलेगा, तो उसकी क्वेरी के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो रेलवे के फॉर्मेट दिए गए हैं सिर्फ उन फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा लेना है। SC ST के जो पुराने हैं वो ही चलेंगे, और OBC का 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। EBC का आपका दोनों चल रहा है, ज़्यादातर केस में तो जो पुराना आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का चल रहा है मुंबई में, या फिर मुंबई में एक और काम किया जा रहा है कि आप नया वो OBC वो EBC सर्टिफिकेट लेके जाइए और इनकम सर्टिफिकेट पुराने वाला लेके जाइए, तो भी काम बन जा रहा है। अब ये बनवाने कैसे हैं वो बता देता हूँ। EWS सर्टिफिकेट भाई आपने जब भरा था तब का हो तो चलेगा, वैलिड है वो, और नया बनवाया है तो भी वैलिड है। एक एफिडेविट आप लगा देना साथ में। अब ये बनवाने कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ, रेलवे फॉर्मेट में कैसे बनवाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है आपका, अदर बैकवर्ड कास्ट का, OBC का बता रहा हूँ अभी मैं, ऐसे करके आप OBC का ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। सेंटर का, स्टेट का नहीं, देख रहे हैं ये मैंने सेंटर का बनवा लिया। ये सर्टिफिकेट जब आपका बन के आ जाएगा तब आपको जो रेलवे फॉर्मेट में दिए गए हैं ये एक परफॉर्मा निकलवा लेना है, प्रिंट। आप इस परफॉर्मा का प्रिंट निकलवा के क्या करेंगे, ये सारी डिटेल भर लेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, नाम है, तो इसमें जो आपका सेंटर का OBC सर्टिफिकेट है वही नाम, जाति, ये सब भरे जाएंगे, और रेजोल्यूशन नंबर। रेजोल्यूशन नंबर भी आपके सर्टिफिकेट में, सेंटर के में दिया होता है, वही आपको फिल करना है। ये फिल करके आपको एक लेटर लिखना है तहसीलदार को, तहसीलदार लेवल का चलेगा, कि मेरे को इस वैकेंसी के लिए ये रेलवे फॉर्मेट में OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, या EBC सर्टिफिकेट चाहिए, या EWS सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप बना के दें। तो आपको क्या लगेगा, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक अपनी OBC का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जो सेंटर का है, और ये परफॉर्मा, और प्लस में एक एप्लीकेशन जो आपने लिखी है ये वाला परफॉर्मा। इस परफॉर्मा को आपको दे देना है, तहसीलदार आपको ठप्पा लगा के दे देगा और वो आपका चल जाएगा, ठीक है? ऐसे करके वेरीफाई कर देगा, देखो सील लगी हुई है उपखंड अधिकारी की यहाँ पे। फोटो लगे ना लगाओ या मत लगाओ तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें फोटो में, ठीक है? तो फोटो हमारे उधर मांगी थी कि आप लगवा लें, तहसीलदार ही बोला कि फ़ोटो लगा के दो अपनी, तब मैंने फ़ोटो लगा ली। बाकी कोई आपको खास ज़रूरत है नहीं, रेलवे वाले फ़ोटो के लिए कुछ नहीं कह रहे। तो आपको सुबह अगर आप 8-9 बजे जाओगे तो 1 घंटे में आपको मोहर मार के दे देगा। अगर आप 2 बजे के बाद जाते हो तो शायद SDM चले जाते हैं, तो वो 1 दिन बाद देते हैं, अधिकारी थोड़े ढीले हो जाते हैं। सेम केस EBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट में भी है। आपको क्या करना है, EBC का तो ऑनलाइन बनेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑनलाइन परफॉर्मा है, ऑनलाइन ही बन जाएगा। उसमें किसी के साइन आपको ऑनलाइन ही जमा कराना है, उसमें कोई रेलवे फॉर्मेट की ऑफलाइन बनवाने की ज़रूरत है नहीं। EWS में भी आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है रेलवे का, उस फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन बन गया तो आपको फिर दिक्कत नहीं है, वरना आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, वही आपको सेम डॉक्यूमेंट पूरा निकलवा के लेके जाना पड़ेगा रेलवे वाला, और वहाँ पे जाके आपको ठप्पा लगवाना पड़ेगा SD। सिर्फ 1 घंटे का काम होता है, आपको लेटर लिखना है और आपको वहाँ पे जमा करा देना है, 1 घंटे में वो आपको ठप्पा लगा के दे देंगे। कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो तुरंत काम करके दे देते हैं, ठीक है? OBC वालों को एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, भी उन्होंने खुद दिया हुआ है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, जो 35 नंबर का पेज है, 35 नंबर जो PDF में पेज है उसमें है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, खुद के साइन करके देने कि मैं नॉन क्रीमी लेयर से हूँ, बस वो आपको जमा कराने, और इनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। देखो ओरिजिनल उन्होंने मेरे को वापस कर दिया, इनकी फ़ोटोकॉपी ले रहे हैं, ठीक है? तो फ़ोटोकॉपी लगेगी और वो आपको क्या कर देना है, वहाँ जमा करा देना, बस इतना करना है, और कोई इसमें राम कहानी है नहीं। 2 मिनट आपको लगेंगे फॉर्म भरने में, 2 मिनट आपको लगेंगे लेटर लिखने में, और आधे घंटे में मोहर लग के आपके हाथ में होगा। तो इसके लिए आप इतनी परेशान मत हो, ऑफलाइन बनवा लें, सिर्फ 1-2 घंटे में बन के आ जाता है, कोई ऐसा नहीं है आपको 10 दिन का प्रोसेस है, ठीक है?
और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है मैंने आपकी क्वेरी सारी सॉल्व कर दी होंगी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ईबीसी में भाई पुराना वाला ही मुंबई में मांग रहे हैं, तो आप देखें पुराना ही लेके जाएं, और न्यू है तो एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, हो सकता है वो प्रॉब्लम कर दें, बाकी जगह चल जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।